नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे रक्षा मंत्रालय भर्ती 2022 के बारे में। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से निकाली गई लेटेस्ट रिक्रूटमेंट की बड़ी अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहां पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही में दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैं आपको ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर चुका हूं। यहां पर आने के बाद में आपको जो है प्रेस एंड रिलीज के ऑप्शन पर जाना है, एंड यहां से आप जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां से भी चेक कर सकते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे। ये दोस्तों इंडियन आर्मी के लिए वैकेंसी जहां पर रक्षा मंत्रालय की तरफ से निकाली जाती है, साथ ही में एयरफोर्स, नेवी एंड इसी के साथ में दोस्तों आपको यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स के लिए भी वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी, जो कि आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। जो डिफेंस की तरफ से जो वैकेंसी जहां पर ऑर्गेनाइज करवाई जाती है, ये एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए इन वैकेंसीज को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। अगर मैं यहां पर बात करूं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं जो आपकी वैकेंसी जहां पर रखी गई है उनकी अपडेट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। रक्षा मंत्रालय की तरफ से वैकेंसीज है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से इन वैकेंसीज को रखा गया है। अगर मैं यहां पर बात करूं टोटल वैकेंसीज के अपडेट के बारे में, तो आप यहां से जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब्स 2022 की हाईलाइट चेक कर सकते हैं कि जो आपका नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में हम बात कर लें तो 10,770 पदों पर ये वैकेंसीज है जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। एंड इसी के साथ में पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात कर लें, तो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के पद आपको देखने को मिल जाएंगे, सब डिविजनल ऑफिसर एंड हिंदी टाइपिस्ट के पद पर भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। इसी के साथ में और भी आपके लिए रखे गए हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 15 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो चुके हैं और 20 अगस्त 2022 आपकी यहां पर लास्ट डेट रखी जाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी तो केंद्र सरकार की ये जॉब रहेगी, तो इसके लिए अक्रॉस इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एंड ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पर भी ये जॉब प्रोवाइड की जा सकती है। ऑल ओवर इंडिया के मेल एंड फीमेल बहुत कैंडिडेट यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mod.gov.in रहेगी, जिस पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों डिटेल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वेरियस वैकेंसीज की अपडेट के बारे में, तो यहां से आप चेक कर सकते हैं जो जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज रखी गई हैं, इसके लिए 2097 पदों पर वैकेंसीज हैं। सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड सेकंड के लिए 726 पद आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको 1083 पद देखने को मिल जाएंगे। इसी के साथ में एमटीएस मैसेंजर पद के लिए 2725 पद रखे गए हैं, वॉचमैन एमटीएस पद के लिए 1762 पद आपको देखने को मिलेंगे, सफाई वाला एमटीएस पद के लिए 527 पद रखे गए हैं, मैस वेटर के लिए 816 पदों पर वैकेंसीज रखी गई है, रूम ऑर्डर के लिए 931 पदों पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी, वहीं मसालचे के लिए 103 पद रखे गए हैं जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। टोटल यहां पर 10,770 आपका जो है ग्रैंड टोटल यहां पर बनने वाला है। काफी अच्छी है जो है वैकेंसीज आपके लिए रखी गई है और ग्रेट अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है, तो आप इनके लिए जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप यहां से एकेडमिक क्वालिफिकेशन की पूरी इंफॉर्मेशन इजिली ले सकते हैं। अगर आप यहां पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पद के लिए अप्लाई करना चाहती, तो आपके पास में मास्टर डिग्री का होना जरूरी है, चाहे अपने हिंदी या इंग्लिश किसी में भी जो है अपना क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया हो, आपके पास में ये कंपलसरी रहेगा। इसी के साथ में सब डिविजनल ऑफिसर ग्रेड सेकंड पद के लिए अगर आप यहां पर 10th क्लास कंप्लीट कर चुके हैं या फिर आपने डिप्लोमा और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास में है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के पास में आपके पास में अगर ड्रॉट्समैन सिविल का जो है एक्सपीरियंस है या फिर आपके पास में कोर्स है 2 साल का, तो आप यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और साथ ही में आपके पास में 25 वर्ड पर मिनट की
हिंदी टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। अगर ये क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट करते हैं तो आप यहाँ पर इजिली अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ में जो भी MTS पद के लिए है उनके लिए भी 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में, तो आप यहाँ से इजिली चेक कर सकते हैं। जो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से भी आपके 25 क्वेश्चन 25 मार्क के रहेंगे। जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन 50 मार्क एंड जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन 50 मार्क के पूछे जाएंगे। मतलब कि टोटल आपका 150 नंबर का पेपर यहाँ पर होने वाला है, 150 नंबर का पेपर रहेगा। एज लिमिट के बारे में अगर हम बात कर ले तो 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। ओबीसी वाले कैंडिडेट यहाँ पर 18 से 28 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरीज यहाँ पर 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। वहीं अगर आप पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट है तो 18 से 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार आपको यहाँ पर एज में छूट दी जा रही है, जो कि एससी एसटी कैटेगरीज को 5 साल का एंड ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ में अगर आप जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 18 से 30 साल एज लिमिट रखी गई है एंड एसडीओ ऑफिसर पद के लिए भी आपको जो है 18 से 30 साल एज लिमिट आपकी रखी गई है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले आपका रिटर्न एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। एमटीएस पोस्ट के लिए आपका यहां पर इंटरव्यू नहीं करवाया जाएगा एंड टाइपिस्ट पोस्ट के लिए भी आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा, देन आपको फाइनल सिलेक्शन यहां पर मिलने वाला है। सैलरी भी आपको काफी अच्छी खासी यहां पर प्रोवाइड की जाएगी, 4200 एंड 2400 और 1900 रुपए आपका यहां पर ग्रेड भी बनने वाला है, तो काफी अच्छी खासी सैलरी आपके यहां पर बन जानी है। इसी के साथ में एप्लीकेशन फीस के बारे में बात कर लें तो ऑल कैंडिडेट को 200 रुपए यहां पर एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी, जिसे आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अपने एप्लीकेशन फीस को सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ में दोस्तों यहां पर आपको हाउ टू अप्लाई की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जिसको जो है आप फॉलो करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इजिली सबमिट कर सकते हैं। लास्ट डेट से पहले पहले आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जरूर सबमिट करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए बोल सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है, ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।